ओके चलिए स्टूडेंट्स आज का टास्क देखते हैं मैनी हिस्टोरिकल साइट्स एंड म्यूजियम्स आर मेनली विजिटेड बाय टूरिस्ट ओके नॉट लोकल पीपल व्हाई रीज़न बताना है व्हाट कैन बी डन टू अट्रैक्ट लोकल पीपल टू विजिट दीज हिस्टोरिकल साइट्स एंड म्यूजियम सोल्यूशन बताना है रीजन सोल्यूशन टॉपिक है इसमें आप क्या कर सकते हो बी पी वन में ऐसा कर सकते हो रीज़न बता दो और उसी का सोल्यूशन साथ में दे दो बी पी टू में सेकेंड रीज़न बता दो उसका सोल्यूशन दे दो अगर आपको ऐसा नहीं करना तो बी पी वन में दो रीज़न एंड बी पी टू में दो सोल्यूशन बता सकते हो दैट इज़ ऑल्सो फाइन दो से ज़्यादा पॉइंट नहीं करने हैं आपको एक पैराग्राफ में ओके okay? यहाँ पे देखें इन्होंने प्लानिंग uh, की है वर्ड्स मार्किंग की है पहले से ही प्रिपेयर किया है नाइस nice. ये भी प्लानिंग है ठीक है ओके okay, वर्ड्स तो मुझे ठीक लग रहे हैं बट फिर भी एक बार आप वर्ड काउंट भी लिख दिया करो ट्रिपिंग इंट्रोडक्शन uh, देखते हैं सॉरी ट्रिपिंग द एशियंट ए कैपिटल क्यों है landmarks are the biggest kya apne biggest craze i don't know this word i don't think they let me google uh, uh, okay the craze the word means इट इज़ अ सर नेम ऑफ सम भी अमेरिका में तो क्रेज़ क्या है ये रोंग हो गया आई डोंट डों आई डोंट अंडरस्टैंड द वर्ड और uh, मुझे लाइक uh, like इसका कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहते थे तो फिलहाल के लिए इसको इग्नोर करते हैं ऑफ द मासिज इन दिला पर काउंट ऑफ नेटिव ऑन हेरिटेज प्लेस इज लेस एल कैपिटल क्यों है दैन द ट्रिपर Then, जब कंपैरिजन करते हैं ए आता ई e नहीं आता ओके okay. ट्रिपिंग आपने बोला मतलब जो ट्रिप पे जाते हैं अगर आप ट्रैवलिंग बोलोगे वो ज्यादा सही नहीं है ट्रिपिंग ऐसा नहीं हो जाएगा कि लाइक like, आप जा रहे हो ट्रिप हो गए गिर गए वो वाला ट्रिपिंग का समझ आया आप ऐसा वो वाला ट्रिपिंग लग रहा है ट्रैवलिंग आपको इतना भी वर्ड वो चेंज करने की जरूरत नहीं है ट्रैवलिंग कर सकते हो तो ये ट्रिपिंग वाला वर्ड रोंग हो गया काउंट ऑफ नेटिव ऑन हेरिटेज प्लेस इज ऑलवेज लेस दैन हाँ कंपेरिजन वाला वर्ड रोंग हो गया वाई दिस है मेन टॉपिक विच आई वि आप ऐसे करके मत लिखो अपना आई विल डिस्कस इन द अपकमिंग पैराग्राफ्स विद द कॉरेस्पॉन्डिंग सोलूशन दैट हाउ वि अटेंशन ऑफ लोकेलिटीज लोकेलिटीज के स्पेलिंग रहोगे हाउ विल ड्रॉ नी आएगा हाउ गवर्नमेंट कैन ड्रॉ अटेंशन ऐसा करके आ सकता है ना और वाई इट इज़ वाई करके आपको ऐसा करने की नीड नहीं है बट यहाँ पर आप नॉट ओनली बटोलसा वाला स्ट्रक्चर लगा सकते थे जब भी दो चीज़ें होती हैं आप नॉट ओनली बटोल्सो लगा सकते हो और इसके अलावा जैसे मैंने बोलता है कि बोला है पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जब सोल्यूशन देना है मिट्टी गेट या रेडिकेट वर्ड यूज कर सकते हो ये प्रॉब्लम नहीं है रीज़न है तो रीज़न वाला में तो ऊपर यूज़ नहीं होगी बट uh, देखते हैं इंट्रोडक्शन सॉरी uh, देखते हैं बॉडी पैराग्राफ वन टू कमेंट्स विद द प्राइमरी रीजन बिहाइंड दिस नोशन इज क्यों आपने कॉमर्स में क्यों लिखा है नो एज और ट्रेवलर आर फैसिनेटेड टू नो अबाउट समथिंग न्यू वाइल इनहेबिटेंट्स ऑफ लोकल प्लेसिज आर ऑलरेडी फैमिलियर अबाउट द नेशन लोकेशन सो दे डू नॉट वॉन्ट टू स्पेंड their valuable chunk of money to trip the trip 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 no wrong कर रहे हो spent नहीं आएगा वैसे भी जब to लिखा होता है to के साथ हमेशा first form आता है और do not में space आएगा आपने यहाँ पे गड़बड़ की है एक जो बहुत सारे student करते हैं आपने ये as वाला structure लगाया reason बताया उसका ending कहाँ है आपने इसके बीच में वाइल वाला स्ट्रक्चर लगाया जब आप दो स्ट्रक्चर एक साथ लगाते हो ना तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि एक वाला स्ट्रक्चर रह ही जाता है तो एज वाला तो स्टार्ट किया उसका जो कॉमा करके उसका रीजन उसका इम्पेक्ट बताना होता है एज़ का मतलब क्या होता है बिकॉज रीजन बता रहे हो ना तो कोमा करके उसका इम्पेक्ट क्या तो आपने वो फुल स्टॉप करके सो लगा के इम्पैक्ट बताया है आपको फिर आपका वो स्ट्रक्चर थोड़ा ना काउंट होएगा अगर आपने सो लगा के फुल स्टॉप करके ही करना है तो तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगी फ़िलहाल के लिए एज मत लगाइए तो उसके अलावा बाकी आपका सेंटेंस ठीक है अगर आपको सीखना है कि एज़ को करेक्ट वे में कैसे करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी यहाँ पे ट्वेंटी फाइव टाइप के स्ट्रक्चर्स बताए हैं कि कैसे सीख सकते हो उसमें क्विज भी है तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो तो फ़िलहाल के लिए एक स्ट्रक्चर करते हैं वो सिर्फ वाइल वाला एज़ वाला कट करते हैं उसके बाद जब सो लिखा होता है सो की जगह देयरफॉर दस किया करो सो मत किया करो सो नहीं सिंपल लगता है एज रिजल्ट कॉन्सिक्वेंटली ये वाले वर्ड्स यूज करो ना आगे देखते हैं एज द मोस्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस हैव द एंट्री फी तो ये तो जो आपने फुल स्टॉप लगा के एज का ए कैपिटल करके मतलब नेक्स्ट लाइन है तो ये तो रीजन बताया उसका इंपैक्ट क्या अब Uh, यहाँ पे ये कहना चाहते हो कि वो पैसे नहीं स्पेंड करना चाहते तो क्योंकि एंट्री के स्पेलिंग लोगों के एंट्री फीस है राइट right? तो आपने uh, वो लाइक एज वाला स्ट्रक्चर आपका स्ट्रक्चर रॉन्ग है आप वो लिंक देखना मैं पूरा डिटेल में बताया हुआ है एज व रीज़न इम्पैक्ट क्या वो कनेक्ट नहीं है आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते थे अगर मैं चेंजेस बताऊंगी ना तो फिर वो ज़्यादा चेंजेस हो जाएगा अगर आपको ये लाइन ही फिट करनी है तो तो अगर लाइन फ़िट नहीं करनी अगर लाइन फ़िट करनी है बताऊंगी तो ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे सिर्फ यही वाला बताऊंगी तो सिंपली हम ऐसा कर सकते हैं कि वो अवेलेबल मनी नहीं स्पेंड करना चाहते ऑन द टिकट्स ऑफ द सेम लैंडमार्क ऑन द टिकट्स तो आपको सेपरेटली ये आ, लाइन लिखने की नीड नहीं है ठीक है अगर आपको वो ये लिखना ही है तो वो अलग से लिख सकते थे कि डिस्पाइट हैविंग टिकट्स कि डिस्पाइट कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे आगरा में है कि अगर ताज महल देखने जाना लोकल के पैसे कम हैं लाइक जो फॉरनर्स हैं उनसे पैसे ज़्यादा लेते हैं एंट्री फी तो आप वो एग्जाम्पल में लिख सकते थे कि डिस्पाइट हैविंग मोर चार्जेस दैन लाइक लोकल पीपल द फॉरनर्स विजिटिंग सच फॉरनर्स विजिटिंग आगरा जस्ट टू सी ताजमहल आगरा इन इंडिया जस्ट टू सी ताजमहल सॉरी दे प्रेफर टू विजिट ऐसा करके बोल सकते थे ठीक है तो इससे क्या है कि लाइक uh, like, uh, उनका

ये मोर ओवर का मतलब है नेक्स्ट लाइन स्टार्ट की तो आपने ऑलरेडी वो क्लियर कर ही दिया था तो ये तो अननेसेसरी एक्स्ट्रा लिखने की क्या जरूरत थी वो तो पॉइंट आपने ऊपर जस्टिफाई कर लिया राइट ऑन द अदर हैंड विजिटर एस आएगा प्लूर आएगा सिंगुलर नहीं आएगा हैव चांस टू सी समथिंग न्यू दैट्स वाई नंबर ऑफ आउटसाइड आर ऑलवेज मोर एज टू द लोकेलिटीज ऑन लोकल साइड इतना सारा अननेसेसरी एक्सप्लेन करने की नीड ही नहीं थी नो no, ऊपर का आपका पॉइंट वहीं पे जस्टिफाई हो रहा है तो यहाँ पे ये करने की जगह पे जो मैंने आगरा वाली एग्जांपल दी वो ऐड कर सकते थे ट्राई किया करो ट्राई किया करो थ्री लाइंस में मैक्सिमम किया करो एक्सप्लेन पहला मेन पॉइंट बता के कि वो अपने बताया कि वो क्यूरियस होते हैं फिर उसको जस्टिफाई करके फिर उसकी एंडिंग करके दैट्स इट आगे वाला ये अननेसेसरी था उसका नीड ही नहीं था बीपी टू देखते हैं मीन वाइल इफ द प्रॉब्लम इज देयर द दोल्यूशंस आर ऑलवेज हेयर ये थोड़ा सा इनफॉर्मल नहीं लग रहा सो इफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज एस आई ऑर्गेनाइज द लोकल इवेंट्स फॉर एग्जाम्पल टर्बन मेकिंग कॉम्पिटिशन के स्पेलिंग लोगों के साइंस फेयर सेक्ट्रा सेक्ट्रा शॉर्ट फॉर्म लिखना फुल फॉर्म लिखना ऑन द सिटेज प्लेस म्यूजियम ओल्ड बिल्डिंग हॉली प्लेसेस एंड लोकल पीपलो विजिट दो फॉर अटेंडिंग द इवेंट विच इज इज क्यों लगाया है फ्यूचर में बोल ना कि ऐसा हो जाएगा और फुल स्टॉप करके अगर आप फुल स्टॉप करने के बाद विच लगा रहे हो तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो अगर आपको कनेक्ट करके लग रहे हो फिर वो क्वेश्चन नहीं होता फुल स्टॉप के बाद क्वेश्चन होगा काउंट करेगा बूस्ट ऑफ द नंबर ऑफ नेटिव नेटिव प्लेसेज ऑल्सो रिड्यूजिंग और क्रिएटिंग द पासिस इंस्टेड ऑफ एंट्री फीस फॉर दिटीजन इज द बिग हेल्प अभी सजेस्ट करियो इज होगी नहीं मतलब आप है नहीं इसका मतलब क्या होता है अभी हो रहा है हो नहीं ना आप सजेस्ट करो ना कि ये सोल्यूशन हो सकते हैं तो ये इज प्रेजेंट एंड प्रेजेंट एल्पिंग प्रेजेंट में नहीं लगानी थी बिग हेल्प टू सॉट आउट दि तो अभी अभी ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं इसमें आपने इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ किया और सीधा ही एग्जाम्पल देना शुरू कर दिया तो पहले आपने वो पॉइंट एक्सप्लेन नहीं किया पहले एक्सप्लेन करो उसके बाद एग्जाम्पल दो और अगर हम देखें ये पॉइंट अलग है कॉम्पिटिशन का सेकेंड पॉइंट है अलग पास बनाने का तो पास के पैसे नहीं लगेंगे भाई उसको भी तो पैसे लगेंगे ना तो वो भी तो देखिए तो मान लो कि अगर आपने कंसिडर कर ही दिया पास वाला वैसे तो वो पास के भी पैसे लगेंगे भी अगर हमने वो कंसिडर कर भी दिया तो वो दोनों अलग अलग पॉइंट हैं तो ऑल्सो करके अगला पॉइंट शुरू नहीं करना है इन एडिशन टू दिस अपार्ट फ्रॉम दिस अनदर सोल्यूशन ऐसा करके कर सकते थे उसके बाद एक ही लाइन में फिनिश किया है तो आपने वो प्रीवियस पॉइंट जो ऑलरेडी जस्टिफाइड था उसके इतनी लाइन्स लिख दी और ये जो न्यू पॉइंट स्टार्ट किया उसकी एक ही लाइन लिखी ऐसा मत करो ना इन कंक्लूजन आई पेन डाउन पेन डाउन इन फॉर्मल वर्ड है आई पेन डाउन मत लिखा करो एवरी प्रॉब्लम तो सिंगलर हैव कहाँ से आ गया हैज आएगा ना एंड एज पर माई ओपीनियन इफ द क्यूरियोसिटी रिमेन सेम फॉर एवरी वन टू विजिट द सट इट विल बी ए प्लस पॉइंट प्लस क्यों लिखा है इन फॉर्मल वर्ड्स क्यों यूज कर रहे हो कंसट्रक्टिव बोल सकते हो कंस्ट्रक्टिव फॉर द लोकल एरिया कंडूसिव फॉर द गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर सकते हो एंड कल्चरल एक्टिविटीज और इवेंट्स कैन हैल्प टू रिमेन इट द सेम ओके फाइन ओके okay, uh, अभी देखते हैं बैंड स्कोर पहले तो ये देखते हैं स्पेलिंग मिस्टेक आपके स्पेलिंग मिस्टेक हो गए अब तो ये तो कलर नहीं शो हो रहा वन चलो दो ही स्पेलिंग मिस्टेक थे दूसरा कहाँ गया दो स्पेलिंग मिस्टेक थे मैंने साथ में ही बता दिया हाँ एंट्री फी दो ओ तीन है तीन स्पेलिंग मिस्टेक हो गए आपके ये तो चल ही नहीं रहा रुको मैं यहाँ पे आपको स्कोरिंग करती हूँ स्पेलिंग अभी मैं स्पेलिंग मिस्टेक में भी मिस्टेक करने वाली थी स्पेलिंग मिस्टेक्स ओके अगर हम देखें आपने आ, कैपिटल कितना किया ग्रामेटिकली एरर हो गई आपकी अननेसेसरी कैपिटल कर रहे हो ये देखो ट्रिपिंग वाला रोंग हो गया और ये वाला वर्ड भी तो रोंग है ना ये समझ नहीं आया तो इसको भी हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे अगर हम स्ट्रक्चर आपने तो इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज की है स्ट्रक्चर्स देखें तो स्ट्रक्चर्स आपने एज वाला लगाने की कोशिश की बट वो रोंग हो गया दो बार एज लगाया दोनों बार ही रोंग हो गया वाइल्ड वाला ठीक है ऑफ लगाया है दो स्ट्रक्चर लगाए हैं बस या yeah. अगर हम वो कैब देखें ओके मासिस कंसीडर कर सकते हैं हेरिटेज और uh, लोकेलिटीज़ के स्पेलिंग भी रॉन्ग थे आपके फोर स्पेलिंग में जब आपके फाइव स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं तो मैं तो यही कहती हूँ कि आपका हाफ बैंड मान लो कट हो गया क्योंकि हम ऐसा ऐसा नहीं करना कि कोई बात नहीं चलता है चलता है ऐसा करके तो हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फाइव मिस्टेक का तो आपका हाफ बैंड वहीं पर कम हो गया और व, वर्ड भी रॉन्ग यूज़ किया था आपने अगर हम देखें इनहेबिटेंट्स यूज़ किया है ठीक है ओके okay. जिकल ओके म्यूजियमिकल लेटमी उसका एग्जेक्ट मीनिंग तो वही है कि खुदाई कर रहे हैं वो खुदाई आर्कोलॉजिकल यहाँ पे आप खुदाई नहीं कर रहे हैं ना वो म्यूजियम बन चुका है वहां पे है let me confirm can we use this word can we use archaeological for museums I don't think you can do museum में सारी चीजें पड़ी होती हैं but archaeological sites sites में तो, उम, खुदाई हो रही होती है तो फिलहाल इसको यहीं पे रखते हैं उसके अलावा देखते हैं और मुझे इतना अच्छा वर्ड नहीं लग रहा कोई देखो ना स्टूडेंट्स जब आप मुझे टास्क सेंड करते हो काइंडली दूसरी वीडियोस देखा करो वीडियोस में क्या होता है कि जो वहां पे स्टूडेंट्स के अच्छे वो कैब यूज किया मैं हाईलाइट किया है तो आप वो यूज करने की कोशिश करो अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरा देखोगे वहाँ पे मैं आ, अपने कुछ सैम्पल आंसर के सैम्पल ऐसे एसेस के सैंपल आंसर शेयर किए हैं और हर एक सैम्पल आंसर में सेवेंटीन एटीन वो वर्ड्स तो हैं ही हैं तो वहाँ पे कुछ वर्ड्स ले सकते हो तो फाइव सिक्स तो यूज़ करो लाइक उसको लाइक uh, सिंपल like, मत रखो और जो पुराने टास्क जो मैंने चेक किए हैं द रीज़न इज़ कि मैं वहाँ इसलिए अपलोड कर रही हूँ कि आप देख पाओ आपने जो ये सिली मिस्टेक्स की हैं बिना देखे डायरेक्टली सेंड कर रहे हो तो मे भी कुछ पुराने टास्क हैं उनमें भी सेम मिस्टेक की आपने भी सेम मिस्टेक्स की हैं तो आपने न्यू कैसे सीखोगे इसमें से अगर आप वो वीडियोस देख लोगे थोड़ा सा टाइम लगा के एक वीक लगा लो या एक दिन या कुछ भी थोड़ थोड़ी थोड़ी वीडियोज़ देख लो देखो क्या उस मिस्टेक्स की हैं स्टूडेंट्स ने मैंने वो मिस्टेक नहीं करनी और जब टास्क कम्प्लीट किया प्रूफ रीडिंग करके मुझे सेंड करो तो इसमें जो ऑलरेडी कुछ मिस्टेक्स ऐसी होंगी आप बोलोगे कि भाई ये तो गलती से हो गया चाहे गलती से हो गया भाई आपकी स्कोर तो कट होगी ना अभी मैं जो बैंड स्कोर दूंगी आपको कट करके दूंगी जो भी गलती हुई अगर आपने वो गलती ना की होती मैं और ज़्यादा मिस्टेक डिफरेंट वाली बताती बट अभी मेरी ये सारी हाईलाइट्स हो रही हैं हाईलाइट हो रही है तो अगर मैं देखूँ वर्ड्स इतने ज़्यादा नहीं हैं और मिस्टेक्स ग्रामेटिकली ज़्यादा है इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की है लैक्सिकल रिसोर्सेज में स्ट्रक्चर आपने सिर्फ दो यूज तीन यूज किए थे बट दो एक रॉन्ग हो गया तीन दो हुए तो देखो मैं बोलती हूँ कि अगर आपको फाइव बैंड सॉरी सिक्स पॉइंट फाइव बैंड चाहिए तो फाइव स्ट्रक्चर यूज करो एंड फाइव वोकेबलरी सेवन चाहिए सेवन स्ट्रक्चर सेवन वोकेबलरी तो यहाँ पे आपने

राइट तो इन दिस वे तो टास्क रिस्पॉन्स में भी गड़बड़ हो गई इसको ऑर्गनाइज करके नहीं लिखा अच्छे से तो मैं ज़्यादा स्कोर नहीं दे पाऊँगी बट फिर भी इतनी गड़बड़ है कि स्पेलिंग मिस्टेक ना नहीं नहीं फिर भी फॉर्मेट में भी गड़बड़ है हम्म तो आई एम सॉरी मैं फाइव पॉइंट फाइव से ज़्यादा नहीं दे पाऊँगी और आपने फैसिनेटिंग ये वर्ड भी लिखा है क्योंकि आपने प्राइमरली को भी हम अच्छा वर्ड काउंट कर सकते हैं नोशन हम्म तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक के कारण आपकी गड़बड़ हो रही है आपका जो जस्टिफाई नहीं किया है टास्क उसमें ज्यादा गड़बड़ है उसको ठीक करने की नीड है या आई विल गिव यू और गड़बड़ करोगे तो कम हो जाएंगे फाइव हो जाएंगे मतलब लाइक अभी uh, like, मैं आपको जैसे इतो सा इतो सा दूर हो कि आपके फाइव पॉइंट कम फाइव फाइव आ जाएंगे आई मीन टू से मैं फाइव पॉइंट फाइव दे तो रही हूँ लेकिन एक आधी गड़बड़ और कर दी तो वो कम कर देंगे फाइव बैंड हो जाएंगे बट अभी तक जो है उसका आपको फाइव पॉइंट फाइव मिल रहे हैं जैसे आपने देखा है कुछ टास्क में स्टूडेंट्स को मैं कहती हूँ कि आपने जिस वे से लिखा है आपका थोड़ा सा इंप्रूव करो आप लास्ट वाले टास्क में मैंने बोला था कि आपने अगर ये गड़बड़ ठीक कर दी ना तो आपका एक बैंड इजिली इम्प्रूव हो सकता है मतलब कि वो पोटेंशियल दिख रही है कि हाँ स्टूडेंट की थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या गाइडेंस नहीं थी इसलिए ऐसा हुआ तो भाई इतने टास्क चेक किए तो इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया है देख के ही पता चल रहा है बट आपके टास्क में जो इतनी सारी गड़बड़ है थोड़ी सी और गड़बड़ हुई तो कम हो सकते हैं अगर आप ये सिली मिस्टेक कम कर दोगे अगर आप फॉर्मेट थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप हमेशा से ये लिख रहे हो थोड़ा चेंज करने की नीड है थोड़ा सा वर्क लगेगा मे बी वीक और टेन डेज आप अगर आप हार्ड वर्क करके करोगे तो इसमें आपके फाइव बैंड इंक्रीज हो जाएंगे डैट मीन्स कि फाइव पॉइंट से जम करके आप सिक्स बैंड लेके आ जाओगे ओके okay? उसके बाद आपकी स्पेलिंग मिस्टेक तो उसको वर्क करना पड़ेगा फ़ाइव टाइम्स लिखना पड़ेगा स्ट्रक्चर दिखने सीखने पड़ेंगे जो कुछ वर्ड्स हैं आप करने की कोशिश कर रहे हो अच्छे की जगह खराब हो रहे है, रही हैं राइट ये दो और जो हर जगह कैपिटल कर रहे हो मुझे पता है जो स्टूडेंट हर थोड़ी सी हैबिट होती है ना कैपिटल वर्ड्स करने की उनकी बहुत मुश्किल से जाती है हैबिट तो उसको आप ठीक करने की नीड है स्पेलिंग का आपने फाइव टाइम लिखना है स्पेलिंग मिस्टेक भी थोड़ी मुश्किल से जाते हैं बट अगर आप हार्ड वर्क करोगे लिखने की कोशिश करोगे तो अच्छे से हो जाएंगे ठीक है आई एम सॉरी मैं आपको फाइव पॉइंट फाइव ही दे सकती हूँ लेकिन अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपको ये सारी स्पेलिंग मिस्टेक ग्रामेटिकल मिस्टेक सबसे पहले फॉर्मेट ठीक करो जिसका ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा सेकेंड नंबर पर स्पेलिंग ठीक करो जिसका मुझे पता है वो बार बार करोगे क्योंकि आप प्रूफ रीडिंग नहीं कर रहे मुझे पता है इनमें से हाफ से जितने भी आपके फोर स्पेलिंग रॉन्ग हो टू तो आपके पक्का पता ही होगा कि हर एक गलती से हो गए ऐसा करके क्योंकि तो ऐसा ही होता है फिफ्टी परसेंट क्योंकि आपने प्रूफ रीडिंग नहीं की होती तो आपके वो स्पेलिंग ठीक हो जाएंगे जो बाकी के स्पेलिंग बार बार रॉन्ग हो रहे हैं उसको फाइव टाइम लिखिए डेली वो ठीक हो जाएगा उसके बाद जिस ऑर्डर में बोल रही हूँ वैसे ही करना है थर्ड नंबर पे क्या करना है ये इंप्रूव हो गया फिर आप व्यू वीडियोस देखो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर वाली मैंने बताई है तो सेंटेंसेस को इंप्रूव करने का कोशिश करो अच्छे करने की कोशिश करो फिर उसमें से धीरे धीरे एक आधा बैठ आप इंक्लूड कर सकते हो लाइक like, uh, एक वीक एक वीक में सेवन डेज हैं चलो फोर वर्ड सीख लिए बस फोर वर्ड सीखो और वीकेंड uh, uh, पे उसकी प्रैक्टिस करो ऐसा करके तो धीरे धीरे तो सबसे पहले फॉर्मेट सीख करना है फिर स्पेलिंग फिर स्ट्रक्चर फिर वो तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हो जाएगा डेली प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है ओके बाय बाय